हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के सोशियोलॉजी के स्ट्रक्चरल चेंज वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम लोग कॉलोनिज्म से क्या हम आज की सोसाइटी में भी क्या इम्पैक्ट उसका देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इनका बैकग्राउंड, इनमें आपस में क्या लिंक है, ये सब चीज़ें देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन के बारे में देखिए, टी इंडस्ट्री को देखिए, एक सेपरेट टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है जहाँ कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स जो है वो आपको बताए गए हैं कि उस समय पे देखिए अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री थी उस टाइम पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी, हम लोग इंडस्ट्रियलाइज थे, हम लोगों के यहाँ अर्बनाइजेशन हो रहा था, बट फिर भी हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जब वो आया वो उस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से ब्रिटेन में आया। अब इसका एक कारण ये आप कह सकते हो कि ब्रिटेन में बहुत पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन आ चुका था और हमारे यहाँ वो कंपैरेटिवली ब्रिटेन के कंपैरिजन में या बाहर की कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत लेट ये चीज़ें आई, बट ये एक रीज़न हम लोग प्रॉपरली नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर रीज़न हमें देना है ना, तो मोस्ट एक्यूरेट रीज़न क्या होगा कि जिस टाइम पे यहाँ पे अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी जा रही थी, ये चीज़ें स्टार्ट हो रही थी, उस टाइम पे वी आर अंडर द ब्रिटिश रूल, हम एक कॉलोनी थे ब्रिटिशर की, तो उस टाइम पे डिसीजन हमारे नहीं थे, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, चीज़ें ब्रिटिशर के फेवर में थी। वो यहाँ से चीज़ें रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लेबर एक्सप्लॉइट कर रहे थे, प्लस बाहर अपने यहाँ पे अपनी कंट्री में अपने एरियाज में जहाँ उनकी प्रॉपर उन्हीं की कंट्री थी उसको बेनिफिट कर रहे थे। उनका मेन पर्पज़ इंडिया को बेनिफिट करना, इंडिया को बेनिफिट देना, इंडिया में पॉजिटिव चेंजेस लाना नहीं था। उनका मेन रीज़न था इंडिया से रिसोर्स लेना, इंडिया को एक तरीके से रिसोर्स के फॉर्म में उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया, चाहे आप मनी की बात करो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे यहाँ के जो भी थे, प्लस चाहे हमारे यहाँ की लेबर की। तो इसी तरीके से एक एग्जांपल हमें यहाँ पे बुक में बताया है, जिसमें यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है टी इंडस्ट्री का, ठीक है। टी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो उस टाइम पे होता क्या, देखिए छोटा सा सीन है, मैं समझाती हूँ फिर सारे फैक्ट आपको बताऊंगी। टी का जो मोस्टली बिजनेस था वो कहाँ होता था, टी इंडस्ट्री स्टैब्लिश थी असम वाले पार्ट में, ठीक है। अब असम छोटा सा एरिया, मतलब वहाँ पे जहाँ पे असम में खेती होती थी वो अनइनहैबिटेड था, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं रहते थे, तो पॉपुलेशन बहुत कम। अब खेती इतनी ज़्यादा टी की होती है, पॉपुलेशन कम, तो काम करने के लिए लोग भी नहीं है, तो मुझे काम करने के लिए लेबर की ज़रूरत है। अब वहाँ पे लेबर लानी है, देखिए लोकल लोग तो आसपास काम करने के लिए बहुत आसानी से रेडी हो जाएंगे, बट जब बाहर से कहीं से लेबर लानी पड़ती थी तो प्रॉब्लम होती थी। अब ब्रिटिशर को टी के बिजनेस में बहुत फ़ायदा है तो उन्हें लेबर भी चाहिए, तो इस चक्कर में वो लोग फोर्सफुली लेबर वहाँ पे लेके आते थे। लेबर का इम्पोर्ट होना स्टार्ट हुआ, इंडिया के ही बहुत सारे अलग अलग स्टेट से लेबर जाती थी और वहाँ पे काम करती थी। अब जो अपनी मर्जी से जा रहा है एक बार को वो तो ठीक है, बट यहाँ पे मर्जी का कंसेप्ट ही नहीं था। ये लोग क्या करते थे, ये लोग लेबर को फोर्सफुली, उनको एक तरीके से जैसे टैक्स के जाल में फंसाते थे ना, टैक्स पे करना है, फसल हुई नहीं हुई फिर भी टैक्स लगान देना है आपको, ये सब चीज़ें करते थे। इसी तरीके से फोर्सफुली बेवकूफ़ बना के उनसे पेपर्स पे साइन करा लेते थे कॉन्ट्रैक्ट पे, और उनको कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये भेज देते थे असम काम करने जाओ, और अब 4 ईयर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, नो मैटर आप एग्री हो या नहीं हो, आपने पेपर पे साइन कर दिया, और अगर आप अब नहीं जाओगे तो आप पे केस होगा, आपको जेल में डाला जाएगा, आपको बहुत सारे पैसे हमको गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। तो वो बेचारा मजबूर सा इंसान, जिसमें कुछ समझ नहीं थी, उसे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कैसे डील करना है, वो मजबूर था वहाँ पे जाने के लिए, ठीक है, उसके पास ऑप्शन नहीं था। बाद में जाके हमने देखा है कि फ्रीडम स्ट्रगल जब मूवमेंट स्टार्ट हुए थे तब असम के अवध में कैसे अलग अलग लोग भी रिवोल्ट करने आए थे, ठीक है। टी प्लांटेशन को भी जब गांधी जी आए थे तब इन टी प्लांटर्स जो यहाँ पे अलग अलग जगह से आके रह रहे थे, दे ऑल्सो फील लाइक कि हाँ गांधी एरा आने वाला है। गांधी जी के टाइम की बात मैं बता रही हूँ आपको, कि गांधी एरा आने वाला है, नाउ वी आर फ्री, अब हम लोग अपने अपने घर वापस जा पाएंगे, जितने भी लोगों को अलग अलग स्टेट से लाके रखा था। तब गांधीयन वाले टाइम पे इन लोगों ने भी हल्का हल्का यहाँ पे रिवोल्ट करना, गांधी जी के साथ साथ जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था इन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। बट अगेन ये सोशियोलॉजी के रूप में नहीं है, लिंक स्टैब्लिश करने के लिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टी इंडस्ट्री में था क्या। टी इंडस्ट्री में अनफेयर मीन्स यूज करते थे लेबर को हायर करने के लिए, कौन, ब्रिटिशर। उसके अलावा ये प्लांटर का बेनिफिट था, देखिए प्लांटर कौन जो खेती करवा रहा है, एक वर्ड यूज किया गया कूली, बुक में आ गया, आपके बॉक्स भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, बॉक्स का डाटा भी यहाँ पे है, तो वो कूली मतलब फायदा प्लांटर्स को हो रहा है, गवर्नमेंट है, प्लांटर है, प्लस आपके ये कौन है हमारे पास, कूली वर्ड यूज कर लेते हैं इनके लिए जो यहाँ पे खेती कर रहे हैं बेसिकली। तो प्लांटर को फायदा होता था, वो बेनिफिट कमाएगा बाहर बेच के चीजों को, कानून ब्रिटिशर बना रहे हैं तो फायदा ब्रिटिशर अपना ही सोचेंगे, इंडियंस का नहीं सोचेंगे, ये बात हमें अंडरस्टूड होनी चाहिए। अब यहाँ पे नो डेमोक्रेटिक नॉर्म, इंडिया वॉज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें कॉलोनियल रूल थे, हम ब्रिटिशर के अंडर थे, तो कोई डेमोक्रेसी की तो बात ही नहीं होती। टी इंडस्ट्री का देखिए एग्जैक्टली 1851 में स्टार्ट हुई,
1903 में मैं बात करूं, ये मैंने आपको बताया कि असम में टी इंडस्ट्री का अच्छा हमें देखने को मिलती है चीजें, टी इंडस्ट्री, टी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है असम में। 1903 के टाइम पे अराउंड 479,000 परमानेंट एंड 93,000 टेम्परेरी लेबर हायर की गई असम में, किसके लिए, टी इंडस्ट्री में, टी की खेती के लिए। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी ना असम में, वो स्पैर्सली पॉपुलेटेड थी। स्पैर्सली कोई वर्ड ऐसा यूज कर दिया तो लग रहा है पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है, कुछ नहीं है, इसका मतलब है पॉपुलेशन बहुत कम थी असम में, असम में रहने वाले लोग कम थे, तो इसीलिए हमें लेबर को बाहर से क्या करना पड़ता था, इम्पोर्ट करना पड़ता था। इंडिया के अलग अलग स्टेट से हम लोगों को बुला रहे थे यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है। अब लोग बाहर से आ रहे हैं, देखिए बाहर से इंसान आ रहा है यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे कोई बच्चा बाहर पढ़ने चला गया, बाहर जॉब करने चला गया, विद इन इंडिया भी या बाहर कहीं चला गया, यूपी से दिल्ली पढ़ने सेटल होने आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं यहाँ पे, या दिल्ली से भी बाहर अमेरिका वगैरह पढ़ने चले गए लाइट से, तो लोगों के लिए डिफरेंट एटमोसफेयर में सर्वाइव करना मुश्किल था। अपने घर से इतनी दूर आप रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, चीजें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आज की डेट में तो यू हैव फोन, आप फटाफट से फोन लगाते हो, वीडियो कॉल करते हो, आपके पास बहुत सारे मीडियम है कॉल करने के लिए ना, अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहने के लिए। बट उस टाइम यहाँ पे एक यंग लेबर को उठा के लेके आ रहे हो, उस लेबर के पास तो अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट करने का कोई जरिया नहीं था। आप तो अगर पास में रह रहे हो, वीकेंड पे छुट्टी मनाने चले गए घर, बाहर भी रह रहे हो तो भी चलो ट्रैवल करके घर मिलने आ गए हो आप अपने, बट उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे बांध दिया जाता था कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा वो वहां असम को छोड़ के ही नहीं जा सकते अपने घर। तो ये बहुत ज्यादा अनफेयर मीन्स है या नहीं है, वेरी अनफेयर, इट इज वेरी अनफेयर, ठीक है। तो उनके लिए सर्वाइव करना लोगों के लिए, लेबरर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर एक्ट 1863, ध्यान से समझना क्या है, एक्ट नहीं पढ़ना, डिटेल कहानी नहीं जाननी, आजाद हो चुके हैं अब, ये कहानी तो नहीं है ना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर एक्ट 1863 जो बंगाल में बनाया गया था, वो क्या बताता था, वो प्रोविजन बताता था रिक्रूटमेंट के लिए। रिक्रूटमेंट मतलब होता है काम पे रखना, ठीक है, वर्ड अगर आप लोगों के लिए नए हैं तो रिक्रूटमेंट मतलब होता है काम पे रखना। तो जो ये एक्ट था, क्या एक्ट था, दोबारा रिपीट कीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर्स एक्ट 1863 ऑफ बंगाल टेल्स द प्रोविजन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द लेबरर्स, की रिक्रूटमेंट कैसे किया जाएगा। तो इसके बेसिस पे वो कहते थे कि हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और लेबर को अपॉइंट कर लेते हैं, तो ये इस एक्ट के तहत हम लोग ये काम करते हैं। वहीं आगे देखा गया कि देखिए लेबर है और प्लांटर्स है, लेबर है यहाँ पे, लेबर हायर के लिए प्लांटर, इनके बीच में आई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कह रही है हमने कानून बना रखे हैं भाई, फॉलो करो, देयर आर द रूल्स, और अगर लेबर फायदा लेबर फॉलो नहीं कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट को बीच में पूरा नहीं कर रही है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो एक तरीके से ये पूरी तरीके से इनके साथ हो रही थी अनजस्ट ट्रीटमेंट, और बेनिफिट में कौन था, बेनिफिट में थे सिर्फ प्लांटर्स। अगर क्वेश्चन आता है हाउ विल यू से दैट प्लांटर्स आर बेनिफिटेड एंड लेबर्स आर सफरिंग इन द टी इंडस्ट्री, कहानी पूरी है नंबर के हिसाब से, शॉर्ट में आएगा तो बस इतना लिखोगे, ये लॉज जो थी वो सारी प्लांटर्स के फेवर में थी, दे आर फोर्सफुली अपॉइंटेड एज अ लेबरर्स एंड दे आर नॉट बाउंड टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। एक वर्ड होता है ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, इनको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के अलाउ, बिल्कुल इनको अलाउ ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, अगर ये ब्रीच करते हैं तो इनको पनिशमेंट या फाइन बहुत ज्यादा हैवी इम्पोज कर इनके ऊपर करा जाता था, ठीक है, ये चीज हमने देखी। उसके अलावा देयर वाज वन मोर एक्ट, लेबर एंड इमिग्रेशन बिल 1901, ये लेबर एंड इमिग्रेशन बिल था जिसके तहत क्या कहा जाता था कि 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया। देखो वही मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, भोले मासूम से लोग या तो पागल बना के, मतलब उनको या डरा धमका के साइन करवा लिया, और साइन करवा के कहा कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा तो आपको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब इंसान डर में जेल जाएगा, क्या सर्वाइव करेगा, फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, वो मजबूर था बाहर आके काम करने के लिए, और इस लंबे समय में उसको कहीं जाना अलाउ नहीं था, फैमिली से मिलना अलाउ नहीं था, तो ये सारा। अब यहाँ पे हमें एक और चीज और क्या देखने को मिली कि पावर इज इन द फेवर ऑफ प्लांटर्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कोली। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, ये लाइन मैंने आपको पूरी समझा दी है कैसे, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है हाउ विल यू से दैट पावर इज इन द हैंड ऑफ द प्लांटर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कोली। कोली मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो लेबरर्स, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, ये दो एक्ट का नाम आप मेंशन कर सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट में 4 ईयर्स के बाउंड कर देता था, और ये बोलता था कि रिक्रूटमेंट इस एक्ट के अकॉर्डिंग हो रही है, तो कोई अनजस्ट ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है उन लोगों के साथ, जबकि उन्हें फोर्सफुली बाउंड किया जाता था कि वो अपनी फैमिली, अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन, अपने नेटिव प्लेस से इतने समय तक दूर रहे। ओके, सो दिस इज अबाउट द टी प्लांटेशन, या जो आपकी बुक में टी प्लांटेशन का पूरा इंडस्ट्री का एक एग्जांपल मेंशन किया है। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का इसका जो टॉपिक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से हो रहा था, उसको देखेंगे, और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, दैट इज द लास्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी रिमेनिंग हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।